तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड आउट द कोसेंट व्हेन द सम ऑफ नंबर 167, 716 एंड 671 इज डिविजिबल बाई 37 एंड 111। बिना भाग किए, बिना डिवाइड किए हमें बताना है ये सभी नंबरों का जो सम होगा, ये सभी नंबरों का जो सम होगा उस सम को 37 से डिवाइड कर दिया जाए तो हमें कोसेंट के रूप में क्या मिलेगा। कोसेंट के रूप में हमें क्या मिलेगा ये बताना है। डिविडेंट इज इक्वल टू डिविजन मल्टीप्लाई कोसेंट, हमें कोसेंट बताना है यानी कि वह कितना टाइम्स डिविजिबल होगा हमें ये बताना है। बहुत ही आसान है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी लगेगा। हमारे पास है 167, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे 100 मल्टीप्लाई 1 प्लस 67 को लिखेंगे हम लोग 10 मल्टीप्लाई 6 प्लस 7, क्लियर है। जबकि 716 को हम लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाई 7 प्लस 10 मल्टीप्लाई 1 प्लस 6। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से लेकर के 55 तक सभी जानते होंगे। इस टर्म को लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाई 6 प्लस 10 मल्टीप्लाई 7 प्लस 1, किसी को कोई समस्या यहाँ तक नहीं होगा। अब हम लोग इस सभी का सम करेंगे। चलिए ठीक है, अगर बहुत मर्जी हो तो आप इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसे इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए और इसे इक्वेशन नंबर थर्ड मान लीजिए, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। अब हम लोग लिखेंगे 167 प्लस 716 प्लस 671, यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड प्लस इक्वेशन जो थर्ड कर रहे हैं, यह कर रहे हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन बोला था। इसके जगह पे हम लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाई 1 प्लस 10 मल्टीप्लाई 6 प्लस 7, ठीक है, प्लस 716 की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 100 मल्टीप्लाई 7 प्लस 10 मल्टीप्लाई 1 प्लस 6, प्लस 671 की जगह पर क्या लिखेंगे, 100 मल्टीप्लाई 6 प्लस 10 मल्टीप्लाई 7 प्लस 1। इन सभी में आप देख पाओगे 100 यहाँ भी है, 100 यहाँ भी है, 100 यहाँ भी है, ठीक है, बिल्कुल। तो हम लोग चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं किसको कॉमन, 100 को ले सकते हैं कॉमन। यहाँ से बच गया मेरे पास 1 प्लस, यहाँ से बच गया मेरे पास 7 और यहाँ से हमारे पास बच जाता है 6 प्लस, यहाँ देखिए 10 है, यहाँ 10 है और यहाँ 10 है, यहाँ से हम लोग 10 कॉमन ले लिए तो यहाँ से बच गया मेरे पास 6, यहाँ से हमारे पास बच गया 1 और यहाँ से हमारे पास बच गया 7 और प्लस बच गया मेरे पास 7 प्लस 6 और प्लस 1। ये है रिजल्ट, आपको मिल रहा है 100 मल्टीप्लाई 14 प्लस 10 मल्टीप्लाई 14 प्लस, ये सभी का सम भी आया 14। अब देखिएगा 100, अब आप लोग यहाँ से 14 कॉमन ले लेते हो, यहाँ से बच जाता है 100 प्लस, यहाँ से बच जाता है 10 और यहाँ से बच जाता है कुछ नहीं, तो सबका मालिक एक तो बचेगा ही, 14 वन जा 14। यहाँ से हमने देखा 14 मल्टीप्लाई ये सभी का सम करने पे 111 आ जाता है, 111 आ जाता है। चलिए ये क्वेश्चन के लिए तो आंसर आप लोग को दिखने लगा होगा, ठीक है। अब इस बात को हम लोग और भी तरह से ब्रेक कर सकते हैं, अब देखिएगा कैसे ब्रेक करते हैं। 14 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 37, 7 21 3 9 9 2 11, क्योंकि हमें 37 भी लाना था तो इस 111 को 3 मल्टीप्लाई 37 लिख दिए। अब 14 मल्टीप्लाई 3 जो है अपना क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 42 मल्टीप्लाई 37, यानी 37 से कोई चीज़ को डिवाइड करेंगे, मैं यानी कि इसके सम को डिवाइड करेंगे तो कोसेंट के तौर पे हमें मिलेगा 42, जबकि इसके सम को अगर हम लोग
111 से डिवाइड करते हैं तो हमें कोशेंट के रूप में मिलता है 14, यानी 111 की टेबल में 14 टाइम्स ये सभी का सम आएगा। तो हम इस बात को लिख देते हैं, सो बोल सकते हैं कोसेंट इज 14 वेन कब वेन 1554 ये सभी का सम कीजिएगा तो क्या आएगा 1554 ये सभी का सम क्या देगा इज इक्वल टू ये ठीक है 1554 इज डिविजिबल सॉरी डिवाइडेड बाय 14 डिवाइडेड बाय 111 जबकि इसके लिए हम लिख दिया बात ये बी के लिए बात लिख दिया आप लोग ए के लिए पहले लिख देना शो लिख देंगे कोसेंट इज 42 व्हेन 1554 इज डिवाइडेड बाय 37 अपना यही फाइनल आंसर है। उम्मीद करते वीडियो आप लोग को पसंद आया।